हेलो दोस्तों स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में मेरा नाम है अभिषेक दोस्तों आज वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व मिसलीडिंग मेटर प्रॉब्लम ऑन यूट्यूब इन 2022 तो दोस्तों आज वीडियो में हम यही देखेंगे कि मिसलीडिंग की जो प्रॉब्लम आती है यूट्यूब मॉडर जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जब हमें ये एरर आती है तो हमें उसको कैसे सोल्व करना और फिर से री अप्लाई कैसे करते हैं तो ये सारी चीजों को मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है मैंने खुद ने ये किया है और मेरा चैनल मॉडरटाइज भी हुआ है

तो बीस अप्रैल को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पंद्रह मार्च के बाद दो दिन बाद सत्रह मार्च को मेरे पास ये मेल आया जिसमें लिखा हुआ है थैंक यू फॉर अपलाइंग टू द पार्टनर प्रोग्राम टू योर एप्लीकेशन आवर टीम हैज दूटी रिव्यूड योर चैनल टेक फिंगर्स अनफॉर्चुनेटली वी फाउंड दैट योर एप्लीकेशन नॉट मीट आवर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसीज तो इस टाइम पे सो वी कैनोट अप्रूव योर चैनल फॉर मॉडरेशन एट दिस टाइम तो अभी तो फिलहाल आपका जो चैनल है उसको हम मोनिटाइज नहीं कर सकते ठीक है तो देखा जाए तो काफी बुरा लगता है ये मेल पढ़ के ठीक है लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पे आ, लिखा हुआ है कि अप्रूव तो नहीं हुआ है लेकिन री अप्लाई कर सकते हैं अब क्यों नहीं हुआ अप्लाई मतलब क्यों नहीं हुआ अप्रूव ये मैं आपको बताता हूँ गाइज यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि मुझे जहां तक लग रहा था मेरे चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी ठीक है मैं अभी भी ये बिलीव करता हूँ कि मेरे चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी ठीक है अब डिपेंड करता है क्योंकि ये कोई सिस्टम तो चेक करता नहीं है ये एक ह्यूमन चेक करता है अब एक ह्यूमन को कब कैसा लगता है क्या प्रॉब्लम दिखती है वो अपन को पता नहीं है ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे चैनल में एक्चुअल में हुआ क्या था ठीक है अब आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है मिसलीडिंग मेटर डाटा ठीक है अब यार मिसलीडिंग मेटर डाटा जो होता है उसका मतलब ये होता है कि मैंने बहुत ज्यादा की यूज कर लिए ठीक है जैसे कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में टैग्स में टाइटल में मैंने बहुत ज्यादा कीवर्ड यूज कर लिए ये कह रहे हैं ये ठीक है अब okay. कीवर्ड्स यूज करना यार मतलब रेलिवेंट की को अगर बहुत बार यूज करना मतलब बहुत बार मतलब एक की को तो हम एक ही बार यूज कर सकते हैं डेफिनेटली एक ही बार यूज कर सकते हैं एक से ज्यादा बार टैक्स में सेम कीवर्ड को डाल भी नहीं सकते ठीक है।, है लेकिन अगर बात करें रेलिवेंट की के अलग अलग

इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि जब आपके साथ भी ऐसा होगा तो जरूरी नहीं है कि उस टाइम पर आपको ये वीडियो मिल जाए या फिर अगर हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो ठीक है अभी जैसे ये वाला बैकपैक है ठीक है इसका टाइटल पढ़ सकते हो बेस्ट बैकपैक अंडर थाउजेंड ठीक है अब ये वाला देखो ये उसी के लिए मैंने लिखा हुआ टाइटल था जो मैंने अब चेंज कर दिया इसीलिए आपको इतना छोटा टाइटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्योंकि मैंने एडिटिंग कर ली अपने चैनल में दोबारा अप्लाई करने वाला हूँ ठीक है तो मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर चेंज की है कीवर्ड में मैंने सिर्फ एक ही कीवर्ड रखा क्योंकि अब कोई ये ना बोल पाए है कि ज्यादा कीवर्ड रख दिए ठीक है मैंने सारे कीबर्ड्स हटा दिए सिर्फ एक ही एक कीवर्ड रखा है अब इसको तो कोई मिसलीडिंग मेटा डाटा नहीं बोल सकता तो इस वजह से मैंने सिर्फ एक ही कीबर्ड रखा लेकिन पहले ये था अब सीधी सी बात ये बेस्ट बैकपैक अंडर थाउजेंड रुपीज तो थाउजेंड रुपीज का था वो बैक पैक ठीक है बेस्ट रक्सैक फॉर ट्रेवलिंग मतलब बैक पैक और रक्सैक सेम ही चीज होती है ठीक है एक ट्रैवलिंग के लिए होता है और एक रक्शा को हम प्रॉपर ट्रैवलिंग के लिए बोलते हैं और जो बैकपैक है वो फर्स्ट एडन का था ठीक है और वो रक्साक है तो बस दोबारा से ऐसे लिख दिया तो इसमें मुझे फिलहाल तो कोई ज्यादा स्पैमिंग नहीं लग रहा हाँ अगर मैं चाहूँ तो ये चीज अवॉइड कर सकता था ठीक है ये नहीं रख रखता तो भी चलता ठीक है बस लेकिन रख दिया क्योंकि ये भी एक कीवर्ड था इस वजह से मैंने इसको रखा था चलो कोई ना अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से यहाँ तक तो मेरी कोई भी गलती मुझे नहीं दिखती लेकिन यहाँ पर मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ यार

मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कर रहा हूँ का आप अनबॉक्सिंग सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ उस बैकपैक का लिंक रखा है जो मैंने अनबॉक्सिंग की है अब मैंने ऐसा इस वीडियो के अंदर बोला है कि इससे मिलते जुलते दूसरे बैकपैक का लिंक मैं दूंगा इस वजह से मैंने उसका लिंक दिया है ऐसा नहीं है कि एफिलिएट के लिंक का मुझे स्पैमिंग करनी थी मैंने अपने ऑडियंस को बताया था कि अगर आपको ये वाला बैकपैक इतना सही नहीं लगता तो दूसरे बैकपैक के इसी रेंज के या फिर इससे थोड़ा कम रेंज के दूसरे बैकपैक भी लिंक दूंगा ठीक है जो मैंने अपने ऑडियंस को बोला है वो मुझे करना था इसलिए मैंने किया ठीक है कोई स्पैमिंग नहीं मानता मैं इसको ठीक है लेकिन अगर यूट्यूब को ऐसा लगता है तो भाई हटा दिया मैंने ठीक है अब तीसरा है ये सब टैक्स ये सारे की वर्ड्स जो मैंने पहले इस वीडियो में मैं डाल रखे थे ठीक है अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि रेलिवेंट ना हो देखो अगर आप देखोगे बेस्ट बैकपैक हंड्रेड थाउजेंड तो गाइस टाइटल में यही था बैकपैक हंड्रेड थाउजेंड ठीक है बेस्ट बैकवैक हंड्रेड थाउजेंड यहाँ पर खाली एस लगा दिया है बैकपैक्स हंड्रेड थाउजेंड बेस्ट रक्सा फॉर ट्रैवलिंग मैंने ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा ऐसे करके एक डिफरेंट ही कीवर्ड डाला हो ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल वही कीवर्ड्स है जो मेरे वीडियो के अंदर एक्चुअल तो में जो प्रोडक्ट है उसी से रिलेटेड कीवर्ड्स मैंने डाला है तो इसमें मुझे बिल्कुल भी एक परसेंट की गलती नहीं लगती ठीक है अगर टैक्स डालने की इतनी जगह दी है तो यार टैक्स तो डालना बनता है ठीक है तो चलिए कोई बात नहीं ठीक है ये मैं अब इसको दोबारा अप्लाई करने जा रहा हूं तो मुझे इस बार कोई भी पंगा नहीं चाहिए तो इसलिए मैंने सारे की वर्ड हटा दिए हैं सिर्फ एक की वर्ड रहने दिया और बाकी टाइटल को इतना रखा है और मेरा डिस्क्रिप्शन रहता है मैं ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको क्या एडिट करना है मेरा पहले टाइटल इतना लंबा हुआ करता था अब मेरा टाइटल इतना छूटा है पहले मेरा डिस्क्रिप्शन इतना लंबा था ठीक है मैंने इसको कम, कम करके इतना सा कर दिया ठीक है और टैक्स पूरा खाली कर ही दिया ठीक है तो ये चीजें आप कर सकते हो अगर आपके साथ भी मिसलीडिंग मेटा की प्रॉब्लम आती है तो मैंने अपने पूरे चैनल पे बैठ के जितने भी वीडियोस वीडियोस थे काफी सारे वीडियोस थे मैंने डिलीट भी कर दिए ठीक है क्योंकि अब उतने सारे वीडियोस में एडिट करना तो मुश्किल ही था मैंने जितना देखा कि मेरा वॉच टाइम जितने वीडियो से कंप्लीट होता है उतना करके मैंने बाकी वीडियो डिलीट भी कर दिया अब देखो सबके मेरे जो टाइटल है कितने छोटे छोटे कर दिए मैंने सारे के टाइटल ऐसे कैसे थे इतने ही बड़े बड़े टाइटल्स से मेरे सारे तो मैंने सारे के टाइटल को कितना छोटा कर दिया है हर वीडियो का टाइटल सिर्फ इतना सा रखा है मैंने कहा अब कोई भी केस ऐसा नहीं बनना चाहिए कि दिक्कत आए ठीक है तो चलिए अब ये चीज तो हो गई अब यहाँ पर मैं आपको आगे बताता हूँ कि मोनेटाइजेशन को रीअप्लाई करने के लिए हमें एक महीने का वेट करना पड़ता है अभी जैसे 15 मार्च को मैंने अप्लाई किया था तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन री अप्लाई स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल एज एज लॉन्ग चैनल मीट्स फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स तो ये है हजार सब्सक्राइबर होने चाहिए चार हजार घंटे होना चाहिए टू स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव होना चाहिए और जीरो एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स होनी चाहिए तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर मेरे अभी भी बिल्कुल मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो सभी में ग्रीन टिक लग रहा है तो सारी चीजें मेरे ऑलरेडी है तो मैं अप्लाई कर सकता था सोलह अप्रैल को लेकिन आज डेट है बीस अप्रैल ठीक है लेकिन बीस अप्रैल को मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मैंने एडिट पहले नहीं किया था क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं टाइटल में से इतने सारे की वर्ड्स हटा दू टैक्स हटा दूं, तो मेरे चैनल पर जो व्यूज आ रहे हैं वो व्यूज कम हो जाएंगे ठीक है तो इस वजह से मैंने लास्ट मोमेंट में उन सब चीजों को रिमूव किया और तब तक जितने व्यूज आ सकते थे वो मैंने ले लिए और अब मैंने उन सब चीजों को रिमूव कर दिया तो अब हम करने जा रहे हैं इसको रीअप्लाई ठीक है एक महीने बाद री अपलाई हम कर सकते हैं ये चीज आप देख सकते इसलिए मैंने आपको ये पूरा प्रूफ दिखा दिया सारा सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है ऐसी प्रॉब्लम आती है तो क्या करना अब हम देखते हैं री अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरा तो कोई चैनल रिजेक्ट हो रहा है और अब हम देखेंगे रीअप्लाई के बटन पर क्लिक करने से क्या होगा तो हमने रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया है ओके तो यहां पर हमने यहां पे लिखा हुआ आ रहा है योर री अपलिकेशन इज अंडर रिव्यू You you on 28th April 2020, We will review your channel and email you with a a decision, typically within a month. अब पर जैसा कि लिखा हुआ है, एक महीना यह यहाँ लगेगा क्योंकि अगर बात करें आ, इस चैनल की तो 15 मार्च को अप्लाई करने के बाद 17 मार्च तक रिव्यू कर लिया था मतलब तो दो दिन लगा मैं सही बताऊँ एक्चुअल दो दिन से ज्यादा लगे थे मेल मुझे रात को आ गया था तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैंने तो तीसरा दिन ही देखा ठीक है तो ढाई दिन के ऊपर लग गया था ठीक है और मेरा दूसरा एक और चैनल था जिस जो सिर्फ और सिर्फ चौदह या पंद्रह घंटों में चैनल अप्रूव हो गया था मॉर्टाइजेशन के लिए ठीक है और एक चैनल ऐसा भी था जिसको अप्रूव होने में एक महीना लग गया था और एक चैनल ऐसा जिसको अप्रूव होने में पंद्रह दिन भी लगे थे तो गाइज लेकिन वो जमाना ऐसा था जब लोग छह सात सात महीने तक वेट कर रहे थे अपने चैनल को अप्रूव होने में लेकिन आज के डेट में इतना टाइम नहीं लगता है तो मान के चलते हैं कि तीन या चार दिन के अंदर अंदर हमें कुछ ना कुछ जवाब यूट्यूब की तरफ से जरूर आ जाएगा ठीक है गाइज तो अब हम वेट करेंगे और मैं आपको रिजल्ट भी इसका दिखाऊंगा ओके okay गाइस तो फाइनली हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है इसमें बहुत टाइम लगा मतलब यूँ कह सकते हैं कि हम अप्लाई करने के बाद जैसे कि आपको पहले ही पता है अगर आपने पहले वीडियोस देखे हैं तो आपको मैंने बताया था कि 15 तारीख को 15 मार्च को अप्लाई किया था और ये मोनेटाइज हुआ 21 अप्रैल को हालांकि 17 मार्च को हमारा जो चैनल है वो रिजेक्ट तो मैंने मैंने अप्लाई किया था फिर से रीअप्लाई किया था बीस तारीख को और बीस तारीख को रीअप्लाई करने के बाद रात को यानी कि इक्कीस अप्रैल को मतलब बीस अप्रैल को अप्लाई किया था और इक्कीस अप्रैल को रात को हमारे पास मेल आ गया है कि हमारा चैनल मॉनिटाइज हो चुका है वेलकम टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम मतलब अब हम यहाँ पर आ चुके हैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यानी कि वाई पी पी एप्लीकेशन के अंदर हम लोग आ चुके हैं और मैं आपको मेल भी चेक करा देता हूँ यहाँ पर हमारे पास मेल आ गया है ये आया था अः यहाँ पे बारह बज के मतलब रात को बारह बजे बाद यहाँ पर आया था सात घंटे पहले जिसका मतलब होता है बारह बज के उनसाठ मिनट ठीक है मतलब लगभग एक बजे से एक मिनट पहले हमारे पास यहाँ पर ये यह मेल आ गया था ठीक गाइस तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन योर यूट्यूब चैनल टेक्निकल हैज बीन एक्सेप्टेड इनटू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एंड इज नाउ एबल टू मोनेटाइज ऑन यूट्यूब तो गाइस फाइनली हम लोग मोनेटाइज हो चुके हैं ठीक है तो मतलब ये जो चीज है ना बहुत ही ज्यादा टाइम मतलब एक साल के आसपास वेट करना पड़ा इस चैनल के लिए क्योंकि इस चैनल को मैंने जब स्टार्ट किया था मैं इस पर प्रॉपरली काम कर रहा था लेकिन फिर मैंने बीच में थोड़े टाइम के लिए इस पर काम बंद कर दिया था और इसी वजह से इतना टाइम लग गया नहीं तो गए जी चैनल कम से कम छह महीने में तो मॉडिटाइज हो जाना चाहिए था क्योंकि तीन महीने में हम इतना अच्छा पहुंच गए थे कि लगभग 48 घंटे में हम 1400 से 1500 व्यू हम पहले शुरू के दो महीने में ही हमने अचीव कर लिया था ठीक है लेकिन चैनल को बीच में छोड़ने की वजह से आज के डेट में आप देख सकते हो इसमें अड़तालीस घंटे में सिर्फ सात व्यू है ठीक है तो मतलब काफी ज्यादा मैं अगर आपको एनालिटिक्स बताता हूँ लाइफ टाइम का तो आप समझ जाओगे कि चैनल जब शुरू हुआ था तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे ये जो आप व्यू देख रहे हो पर डे सेवन नाइनटी एट व्यू ठीक है मतलब इसका मतलब ये होता है कि दो अड़तालीस घंटे में एक सौ एक हजार छः सौ व्यू के आसपास हम पहुंच गए थे ठीक है उसके बाद फिर मैंने चैनल को ही छोड़ दिया था फिर धीरे 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 नीचे नीचे चैनल किए दो सौ दो सौ व्यू तक आने लग गया था तो अगर मैं इसको कंटिन्यू रख पाता तो शायद आज ये इस चैनल इससे भी काफी ज्यादा बड़ा होता लेकिन गाइस ठीक है जो हो गया सो हो गया लेकिन फाइनली हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो ये बहुत ही खुशी की बात है तो चलिए अब हम इस पर रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करेंगे और काफ़ी खुशी की बात है यार मतलब ये पांचवा चैनल है जो मैंने मोनेटाइज करवाया है और मतलब काफी खुशी की बात है ठीक है इस तो हो सकता है यार सब जने कोशिश करो प्रॉब्लम्स आती है जब मोनिटाइज हम अप्लाई करते हैं कभी कभी अपनी गलती वजह से आती है कभी कभी कोई दूसरी किसी और की गलती मतलब यूट्यूब में अगर कोई जो एम्प्लॉज बैठे होते हैं उन लोगों का ध्यान ठीक से नहीं होता है और इस वजह से वो कभी कभी कोई एरर दा -दा -दे, दे देते हैं और उसकी वजह से हमारा नहीं होता लेकिन कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि देखो लाइफ में कई अप्स एंड डाउन आते रहते हैं ठीक है अब उन सब चीजों के बारे में सोच के अगर हम काम करना छोड़ देंगे तो उम्मीद करने के लिए कुछ बचता नहीं है है ना तो इस वजह से काम करते रहो और रिजल्ट जो भी होता है फर्क नहीं पड़ता है ठीक है अगर हम हम इतना कमा लेते हैं कि जैसे अगर हमारे रोज का खर्चा निकल जाता है तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कोई भी चीज थोड़ी सप्स एंड डाउन्स आता है लाइफ में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं लेकिन अपने काम को छोड़ो मत काम को छोड़ोगे के तो फिर उम्मीद करने के लिए कुछ रहेगा जिस पर एग्जाम दोगे तभी तो पास या फेल होने की बात आती है है ना तो वैसे ही लॉटरी का टिकट लोगे तभी तो लॉटरी लगने के चांसेस होते हैं तो वैसे ये भी है कि मतलब हम वीडियोस नहीं डालेंगे तो व्यूज आने के चांसेस ही नहीं है, है ना तो वैसी चीज है तो गाइज मोडिटाइज हो चुका है और आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आए किसी भी तरह की मोडाइज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि मैंने पांच चैनल मोनिटाइज किए मैंने काफ़ी सारी चीजें देखी है इसके अंदर आज मिसलीडिंग मेटा डाटा एरर भी देख लिया वो भी सॉल्व कर दिया है तो गाइज उम्मीद है कि आपको सारा सब कुछ अच्छा लगा होगा वीडियो पूरा तो इस तरीके से आप रीअप्लाई कर सकते हैं और मेटा डाटा की जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने एक वीडियो में बताया है आपको तो वो सारी चीजें आप जाके देख सकते हैं उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वो सब जो चीजें भी आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है ठीक है गाइज तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइक को जरूर प्रेस कर लें। ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सही कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत बोली क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद